पीछे सपना सिंह जी से मिलवाने जा रहे हैं। सपना सिंह जी अभी हाल ही ग्रीस जाके आई है और मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2019 की फाइनलिस्ट ये रही हैं। इसके अलावा मिसेज ऑरिफ्लेम 2019 हैं, ये उभरती मॉडल है जो मॉडलिंग की दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है। और मिसेज ऑरिफ्लेम 2019 होने का मतलब यही है, कल ही इनका ग्रैंड ओनियारा में शो स्टॉपर रही है मिसेज ऑरिफ्लेम की तरफ से। नमस्कार सपना सिंह जी। नमस्ते। इसके अलावा भी इनको बहुत सारे टाइटल्स मिले हुए हैं, बहुत सारे टाइटल्स तो मैं एकदम से नहीं बोल पाऊँगा। तो आप ग्रीस गई और अभी ग्रीस से लौटी, कैसा महसूस किया आपने वहाँ? बहुत अच्छा, मतलब वो कहते हैं ना कि अपने सपने की पहली सीढ़ी जैसा था मेरे लिए ग्रीस जाना, और ग्रीस जाकर इतना कुछ मुझे सीखने को मिला। और नाम तो होता ही है, अगर हम कहीं ब्यूटी पेजेंट में जाते हैं और फाइनलिस्ट बनते हैं और वापस आके हमें कितना कुछ मिलता है ये तो हम सब जानते हैं। वैसे तो बहुत कुछ साल पहले विदेश जाने का बहुत बड़ा सपना हुआ करता था, मेरा बचपन का सपना था। और आज आप जब ब्यूटी पेजेंट में इंडिया में भी कोई ब्यूटी पेजेंट हिस्सा लेना अपने आप में और उसका फाइनलिस्ट बनना या विनर की तरह ही होता है, अगर हम फाइनलिस्ट हैं तो विनर हैं। हाँ, क्या क्या अनुभव आपके मतलब शेयर हुए? सबसे बड़ी बात कि हमें ग्रूमिंग मिली, हमें अपने आप को ग्रूम करने का मौका मिलता है कि हमें अपने अंदर कितनी चेंजिंग लानी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये हमारे लाइफ में मतलब हमारे लॉन्ग लाइफ में हमारे साथ चलने वाला है जो हमने वहाँ जाकर सीखा। लेकिन एक बाहर जाना ब्यूटी पेजेंट के लिए कोई आसान तो नहीं होता, तो उससे पहले लोग ये सोचते होंगे कि एकदम से ग्रीस कैसे गई, तो लोग मतलब लोगों की उत्सुकता होगी, तो आपने इससे पहले यहाँ क्या जर्नी रही आपकी कि जो आपको वहाँ से ऑफर आया किस तरह हुआ उसको थोड़ा शेयर करें। वैसे ये सपना मेरे हस्बैंड का था, उनकी वजह से ही मैं ग्रीस पहुँची हूँ। उन्होंने ही मेरा ब्यूटी पेजेंट में फॉर्म पहले देखा, ऑनलाइन देखा, कुछ ऐसा होता है कि मिसेज के लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने फॉर्म भरा और फिर मैंने ऑडिशन दिए और मैं फाइनलिस्ट बनी। फिर मैं ग्रीस गई, तो इस बीच में जो हमारा 6 महीने का जो सफ़र रहा है वो बहुत मुश्किल रहा था, बहुत मुश्किल। क्या क्या तैयारियाँ की होगी इसके लिए आपने? उनके हर वीक एक टास्क रहता था, हर वीक हमें कुछ ना कुछ वो देते थे 6 महीने के अंदर। हम मतलब ऐसे आराम से नहीं बैठे हुए थे, हमने 6 महीने के अंदर बहुत कुछ किया। उनके हर वीक नया नया कुछ टास्क रहता था, कुछ भी मतलब लेके जो भी उनका टॉपिक रहता था उसको लेके। और ग्रूमिंग ली मैंने, 2 महीने की डांस क्लास ली और अपने आप को बदला। वैसे मतलब बदला से मतलब क्या, पहले आप हेल्थी थी जैसे? नहीं, मैं बचपन से ऐसी हूँ जैसी मैं आपके सामने अभी दिख रही हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी हूँ। मतलब मैं अपने कपड़ा दाम कैसे हमें पहनना चाहिए, कैसे हमें बोलना चाहिए, कैसे हमें दिखना चाहिए, ये मैं बहुत बदलाव है। और मैं बोलने में बहुत झिझकती थी पहले। तो आपने इस लुक को मेंटेन करने के लिए मतलब आपकी क्या दिनचर्या रहती है? दिनचर्या तो कुछ नहीं, सबसे पहले सुबह उठ के 2 ग्लास फिर अपन पानी पीते हैं, योगा करते हैं, अच्छी हेल्दी डाइट लेते हैं, बस वो सब कुछ। मतलब योगा करती हैं? हाँ, योगा करती हूँ मैं। तो योगा के लिए भी आपने कोई आइडिया बना रखा है कि भाई जैसे हमारी शिल्पा जी हैं? शिल्पा जी को बना रखा है, शिल्पा शेट्टी को देख के योगा शुरू किया है, क्योंकि उनके बहुत सारे वो तो मतलब हैं कि मैं तो ये तो आपके रहा कि मतलब योगा कंपलसरी करती हैं, ये आपके दिनचर्या में। तो जो ब्यूटी पेजेंट की दुनिया में आना चाहती है, ये मेनली ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए लाभकारी है, तो किस किस तरह से आप अपने आप को मतलब मतलब क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि आप ऑरिफ्लेम से भी जुड़ी हैं जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मतलब एक कंपनी मतलब मनानी जाती मानी हुई, तो आप मेंटेन करने के लिए जो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? अगर इस क्षेत्र में आना है तो ये तो सबसे पहले तो देखो सुंदर तो दिखना ही पड़ेगा, और चेहरे से भी और अंदर से भी, क्योंकि ऊपर जब बाहर की सुंदरता और अंदर की सुंदरता दोनों मायने रखती है। तो उसके लिए हमें रेगुलर योगा करना चाहिए, अगर कोई जिम जाना चाहे तो जिम जा सकता है, और हेल्दी डाइट तो बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो ये दोनों चीज़ें इस लाइन के लिए बहुत जरूरी है। और क्या क्या टाइटल्स आपने अभी जीत रखे हैं? अभी ये तो मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट हूँ, क्राउन चेजर्स
और AR मिसेस इंडिया की भी मैं उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मैं फाइनलिस्ट रही और वहाँ मुझे ये मिस डिसेंट का टाइटल मिला उधर। और अभी मैं फेस ऑफ जयपुर भी AR के थ्रू वो बनी हूँ। अब यहाँ आप इंस्टाग्राम पर फेस देख, ऑफ जयपुर, हाँ फेस ऑफ जयपुर आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। और ओरिफ्लेम की तो मैं हूँ मिसेस ओरिफ्लेम। मिसेज आप मिल रहे हैं मिसेज ओरिफ्लेम 2019 से, जैसा कि आपको बता रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो अभी ब्यूटी भैया जयपुर में होते रहते हैं, अगर उसमें आपको अवसर मिलेगा तो आप जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार ब्यूटी पेजेंट में जाना चाहिए मेरे लिए। तो फिर आपका लक्ष्य मतलब, क्योंकि जो अभी मॉडलिंग की दुनिया है जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट शूट्स करते हैं, मतलब लोगों के लिए प्रचार करते हैं, उसमें तो प्रचार प्रसार की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप मतलब किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करेंगी जिससे आपके पास ज़्यादा वर्क आए? मैं अपने इन्हीं मैं बोल रही हूँ ना, मैं फाइनलिस्ट हूँ तो मैं विनर हूँ। मैं अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करूंगी कि मुझे अपने आप ही काम मिल जाएगा। मतलब आप इतने आश्वस्त हैं, इतने कॉन्फिडेंस हैं हाँ कि आपको ये जो ग्रीस में जाके अवार्ड मिला, इससे आप पूरी संतुष्ट हैं कि ये अच्छा? और फिर दूसरा आपका मिसेज ओरिफ्लेम 2019, नहीं, क्यों, मेरा मानना है कि इंसान को ऊपर उठने के लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। अगर उसकी मेहनत और लगन सच्ची है ना, तो जमीन से उठकर आसमान पर पहुंच सकता है। अब आपका आगे क्या लक्ष्य है? एक तो मॉडलिंग और दूसरा हाँ डांस, डांस। हाँ मॉडलिंग डांस और कुछ मूवी वगैरह में अगर मुझे अच्छा हाँ मतलब काम प्रायकर मिल, मॉडल्स का लक्ष्य होता हाँ है कि फिल्म में चल जाए, मेकिंग, हाँ अगर कुछ अच्छा काम मिलता है मैं जरूर काम करना आप फिल्म चाहूंगी। मेकिंग करना हाँ चाहेंगे। हाँ जरूर, वरना पहली चॉइस तो मेरी डांस है। मुझे बचपन से डांस करना बहुत पसंद है। डांस में कोई विशेष अचीवमेंट आपने करे हैं? क्या क्या नहीं, सीखने का आपने? अभी सीखी, मैं बॉलीवुड करना पसंद करती हूँ फिलहाल तो। हाँ नहीं जैसे कथक भी आता है या क्या कहने, क्या नहीं, अभी वो है पसंद नहीं। वेस्टर्न, हाँ वेस्टर्न वेस्टर्न, म्यूजिक मतलब हाँ वेस्टर्न डांस वो में मुझे पसंद वो है। पसंद है। हाँ तो आपके पास एड्स ऑफर आते हैं, तो आपके जो मतलब जैसे एक तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत कंपटीशन है, तो आप बिल्कुल, समझते हैं तक कम नहीं है कि एकदम से एड्स आ जाएं। तो बिल्कुल आपके पसंद मतलब आप किस तरह के प्रोडक्ट्स को या किस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगी कि ये, क्योंकि रिजर्वेशन है कि मैं यही करूँगी? कुछ लोगों को रिजर्वेशन होता है कि मुझे यही ऐड करना है, नहीं, ऐसी कोई पाबंदी ऐसा है? नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है हाल फिलहाल तो। लेकिन मेरा मानना है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं और काफ़ी बहुत कुछ होता है, हेल्दी नेचुरल कुछ भी, मतलब उनके बारे में मैं काम करना ज़्यादा पसंद करूँगी। ठीक है सपना हाँ सिंह जी, आपका आभार जो आप ऑफिस में आए, हमारे स्टूडियो में आए, धन्यवाद। थैंक यू।